हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि मैंने इससे पहले आयरन की कमी के लक्षण के वीडियो बनाए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे। अब तक करीब उसको 2.25 लाख लोग देख चुके हैं और उससे रिलेटेड मुझे कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि खून की कमी को पूरा आगे कैसे किया जाए। इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और अपने नॉलेज प्लस कई सारे रिसर्च के बाद मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया जिसमें आपको मैंने संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी है। इसलिए आप वीडियो को हो सके तो पूरा देखिए। अगर आप पूरा देखेंगे तो खास तौर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा और सारे आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं ये वीडियो। आज के दौर में अनियमित दिनचर्या के चलते कई तरह की बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। इनमें से एक प्रमुख बीमारी अनीमिया है, जो अधिकांश महिलाओं में पाई जाती है। इसके चलते जल्दी थकान होने लगती है और शरीर में कमजोरी महसूस होना आम स्थिति है। इस संबंध में आयुर्वेद में कई सारे उपाय बताए गए हैं। दरअसल हमारे शरीर में दो तरह की रक्त कोशिकाएं होती हैं, एक सफ़ेद और एक लाल। वहीं जब लाल रक्त कोशिका शरीर में कमी होने लगती है तब शरीर में खून की कमी होने लगती है, जिसे अनीमिया भी कहा जाता है। ऐसे में हम आयरन की मात्रा बढ़ाकर इसे घटे हुए हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। ब्लड कम होने से शरीर में रोगों को लड़ने की क्षमता कम होने लगती है, जिससे व्यक्ति कई तरह के रोगों के खतरे का शिकार होने लगता है। जानकारों के अनुसार छोटे बच्चों में खून की कमी होने से मानसिक और शारीरिक विकास में कठिनाई होती है, और वहीं जब ब्लड सेल्स की कमी होने पर महिलाओं को भी कई तरीके की परेशानी होने लगती है। उन्हें सही तरीके से पीरियड वगैरह नहीं आता है। शोध के मुताबिक महिलाओं और पुरुष के मुकाबले महिलाओं में अधिक प्रॉब्लम अनीमिया की होती है। अब जान लेते हैं खून की कमी के होने के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में। नंबर एक है पेट में इन्फेक्शन होना। नंबर दो है खाने में पोषण की कमी होना। नंबर तीन है अधिक मात्रा में खून का निकलना, जिस तरीके से कभी चोट वगैरह लग जाती है या कोई और कारण हो तब। नंबर चार है किसी गंभीर रोग के कारण ब्लड का बाहर आना या फिर किसी तरह से ब्लड न बनना। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं खून की कमी होने के लक्षणों के बारे में। नंबर एक है जल्दी थकान होना। नंबर दो है शरीर में कमज़ोरी आना। नंबर तीन है स्किन का रंग पीला पड़ना या सफ़ेद पड़ना। नंबर चार है भूख कम लगना। नंबर पाँच है पैरों और हाथों में सूजन होना। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं खून की कमी को दूर करने के उपाय। साइंस के मुताबिक शरीर में खून की कमी होना आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी की मात्रा की कमी होने के कारण होता है। वहीं घरेलू नुस्खे, हेल्दी डाइट और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर खून की कमी में होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे घरेलू उपाय जिनसे आप खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर एक, एक नींबू एक गिलास पानी में निचोड़ कर इनमें एक चम्मच शहद मिलाकर अच्छे से मिला लें और हर रोज़ इसे पिए। जल्दी से जल्दी खून इससे पड़ेगा। नंबर दो, अनीमिया की बीमारी में पालक दवा की तरह काम करती है। पालक में विटामिन ए, सी, B9, आयरन, फाइबर, कैल्शियम अधिक होते हैं। पालक एक ही बार में 20% तक आयरन बढ़ा सकती है। पालक का सेवन आप सब्जी और सूप के रूप में कर सकते हैं, पर जिन लोगों को पथरी की समस्या है वो पालक का सेवन ना करें। नंबर तीन, खून बढ़ाने के उपाय में टमाटर काफ़ी उपयोगी है। तेज़ी से खून पूरा करने के लिए एक गिलास टमाटर का जूस रोज पिएं। इसके अलावा टमाटर का सूप भी पी सकते हैं, चाहे तो सेब और टमाटर का जूस मिलाकर पिएं, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नंबर चार, बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए मक्के के दाने का सेवन भी कर सकते हैं। यह बहुत पौष्टिक होते हैं और इसे उबाल कर भूंज कर भी खा सकते हैं। नंबर पाँच, थोड़ा सा शहद एक गिलास चकुंदर के रस में मिलाकर पिएं, इससे आयरन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। नंबर छः, सोयाबीन में विटामिन और आयरन की मात्रा अधिक होती है। एनीमिया के रोगियों के लिए इसका सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। सोयाबीन को उबाल कर भी खाया जा सकता है। नंबर सात,
थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च अनार के जूस में मिलाकर रोज पीने से शरीर में आयरन की कमी तेजी से पूरी होती है, इसलिए इस उपाय को खास तौर से करें। नंबर 8, गुड़ के साथ मूंगफली के दाने को खाने से आयरन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए आप इसे भी अपना सकते हैं। नंबर 9, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक लहसुन मिलाकर पीसकर चटनी बना के लें, इसे सेवन करने से हीमोग्लोबिन के इलाज करने में मदद मिलती है। नंबर 10, शरीर में खून की कमी पूरा करने के लिए दूध में सूखे खजूर का सेवन करना उत्तम उपाय माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए रात को सोने से पहले गर्म दूध में खजूर को उबाल लें और उसके बाद दूध पी लें और खजूर खा लें, इससे आपका काफ़ी अच्छी तरीके से आयरन की कमी पूरी होगी। इसके बावजूद भी मैं कहूँगा, अगर आपको आयरन की कमी से ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए कई चिकित्सक आयरन और विटामिन की गोलियां और सप्लीमेंट्स की देने की राय देते हैं। दवा या मेडिसिन लेने के अलावा आप कुछ हेल्दी डाइट और फूड का नेचुरल तरीके से खून बढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ उपाय मैं और बता देता हूँ। इसमें से एक है, सरसों, पालक, हरी धनिया, पुदीना को भोजन में शामिल करें। फलों की बात करें तो सेब, पपीता, चीकू, नींबू और अमरूद का सेवन अधिक करें। इसके अलावा पिस्ता, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट का सेवन करें जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मुनक्का, किशमिश, अनार, गाजर और दालों को डाइट में शामिल कर लें, रोज़ खाएँ, इससे खून ज़रूर बढ़ेगा। इसके अलावा मूंग, चने, मोठ और गेहूं को अंकुरित कर नींबू निचोड़ कर सुबह नाश्ते में खाएं, खाली पेट खाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो अनीमिया के उपचार में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन पूरी जानकारी से भरपूर था। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी रिसर्च और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। आगे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक्स फ्रेंड्स।